की जा रही है और अलग से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ही आइसोलेशन क्वारंटीन जो है वो सेंटर्स हैं, बाकी कहीं नहीं। तो इसके अलावा और क्या आप कह रहे थे कि सख्त कदम भी उठाए जाएंगे, कुछ किस तरह के सख्त कदम होंगे सर? किस तरह सख्त कदम की बात यह है कि जब लोग बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कैजुअली ले रहे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में आने जाने का तो अब रास्ता खुल गया क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के मुताबिक जो है वो रिस्ट्रिक्शन आने जाने के लिए ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी हमने हिमाचल प्रदेश में अभी भी जो है बाहर से आने वालों का और उनका जो रजिस्ट्रेशन वो अनिवार्य रखा है, अभी तक भी रखा हुआ हमने। और दूसरा उसके बाद जो बाहर से जो लेबर आ रही है, माइग्रेंट लेबर पर्टिकुलरली जो पहले चले गई थी उसके बाद फिर अब वापिस आ रही है, काम पर आ रही है, तो अगर वो आएंगे तो सीधे काम पर नहीं जाएंगे, वो उनके उनको क्वारंटाइन करेंगे, उनका प्रॉपर कोविड टेस्ट होगा 7 डेज के बाद, और उसके बाद अगर उस पर नेगेटिव पाए गए उसके बाद उनको वर्क साइट पर हम भेजेंगे। वर्क साइट का मतलब चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे वो कोई कॉन्ट्रैक्टर का कोई प्रोजेक्ट है, तो उस पर भेजेंगे। तो ये हमने और ज़्यादा उस पर, क्योंकि बड़ा नंबर हमारा जो बाहर से जो लोग आए उनका निकला है, तो ऐसी सूरत में जहाँ पूरे देश भर में इस वक्त पॉजिटिव केसेस के नंबर बढ़ रहे हैं, हिमाचल में भी बढ़े हैं, तो और ज़्यादा एहतियात और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। रिकवरी रेट तो हमारा पूरे देश में, हमारा जो है 2-3 स्टेट जो है जिनमें सबसे अच्छा, उसमें हिमाचल प्रदेश भी है। स्कूल्स कॉलेजेस का क्या? अभी अगस्त के महीने तक तो बंद है, ये तो तय है, लेकिन उसके बाद आगामी इसकी जो है वो जो भी जो ज़रूरत पड़ेगी और जो भी हमारा केंद्र जो MHA की ओर जो गाइडलाइन जाएंगे उसके मुताबिक करेंगे। अब आप पूछते हैं कि भाई मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं हुआ, एक प्रश्न समाप्त हो गया, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, संपूर्ण हो गया और उसके बाद मंत्रिमंडल काम कर रहा है, वो भी चलता रहेगा, बीच बीच में उसकी ऐसी कोई ज्यादा तुरंत जरूरत नहीं है, सब चल रहा है। सर, देश के इतिहास में एक बड़ी घटना हुई है, 5 तारीख को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होना है, उसके शिलान्यास होना है, आप पूरे इस घटनाक्रम को देश के मूड के हिसाब से किस तरह से देखते हैं? हम मानते हैं कि हमारा यह सौभाग्य है कि सैकड़ों वर्ष का एक कठिन जटिल मामला जो उलझा हुआ था उसका समाधान हो रहा है, और भगवान रामचंद्र जी जो इस देश की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है, श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र है, उनके जन्म स्थान पर जो मंदिर बनाने को लेकर के जो संघर्ष बड़े लंबे समय से चल रहा था उसकी जो है वो पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। अब 5 तारीख को वहाँ पर भव्य मंदिर जो बनेगा उसका शिलान्यास हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, और ये हमारी पीढ़ी को यह सौभाग्य है कि उस क्रम को, उस घटनाक्रम को जहाँ भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण का जो सपना हमारा था उसको हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। वैसे तो रिज पर और माल रोड पर घूमने आते हैं, लेकिन हम काम से आए हैं आज, विशेष तौर से अटल जी का स्टैचू लगना है, वो हमारी कमिटमेंट है, कैबिनेट का डिसीजन है, तो यहाँ कहाँ लगाया जाए उस जगह को हम देखने के लिए आए थे। जगह देखी हमने 2-3 ऑप्शंस और उसमें से एक ऑप्शन को फाइनल करेंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि 25 दिसंबर उनका जन्मदिन है, तो 25 दिसंबर तक इसको हम पूरा करें और उस कमिटमेंट को पूरा करें। हिमाचल को अपना घर कहते थे, जब प्रधानमंत्री रहे तो थोड़े वक्त के लिए सही, लेकिन उसके बावजूद भी वो हिमाचल आते थे, मनाली आते थे, तो उस दृष्टि से ये स्टैचू का एक अलग महत्व है, उस दृष्टि से हम ये आज यहाँ देखने के लिए आए थे, तो बस इतना ही। तो कहीं आपने देखा कि कहाँ पर सूट करेगा या फिर? देखिए, हमने 2-3 जगह देखी, हम बैठ कर डिसाइड करके उसको तय करेंगे। स्टैचू भव्य बनेगा, अच्छा बनेगा। ठीक सर, रिज भी आपने, रिज का भी निरीक्षण किया है? रिज का निरीक्षण किया है, इसका हमने पिछली बार भी हम जब विजिट कर रहे, पहले हम यहाँ प्लान कर रहे थे, लेकिन यहाँ अभी जिस प्रकार से जो यहाँ का जो रिज का एक पोर्शन जो धंस रहा है और उसको रिस्टोर करने के लिए वक्त लगेगा,
और इसके लिए जो हमारी इंजीनियर्स की टीम जो है बाहर से कहाँ से लाई थी, रुड़की से, रुड़की से लाई थी, वो आए थे, वो विजिट किए, उन्होंने कहा कि बहुत नीचे तक जाना पड़ेगा क्योंकि जो मिट्टी का स्टेटा यहाँ पर है उसमें बहुत नीचे से इसको स्ट्रेंथन करने के बाद ही हम इसको शुरू कर सकते हैं। तो अभी उनको इसकी पूरी DPR बनाने के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए उसको उनको कहा है, 4 हफ्ते के बाद जब वो बन करके आ जाएगा तो इसको भी हम रिज को भी हम रिस्टोर करेंगे जो पोर्शन इसका टूट रहा है। सर अनलॉक 3 इशू हो गया। मुख्यमंत्री जयराम जी अभी रिज मैदान में थे, यहाँ पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा जो यहाँ पर रिज मैदान पे लगनी है, इसका कहाँ इसका एरिया लगाना है, कहाँ इसकी सिलेक्शन करने के लिए यहाँ रिज मैदान में आए थे और उन्होंने पांच जगह देखी, उसमें कौन सी जगह उन्होंने सेलेक्ट करनी है, इस बारे में उन्होंने पूरी जगह देखी, इसके बारे में इन्होंने हमसे हमने पूछा कौन सी जगह, इन्हें बोले मैं अपने अधिकारियों के साथ बैठूंगा उसके बाद मैं इस बारे में बताऊँगा। सुरेंद्र सिंह राणा कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ रिज मैदान से, देखते रहिए नेशनल न्यूज़।